तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं केडीपी एप्लीकेशन बुक से इडियम्स एंड फ्रेज। आज की वीडियो में बात करेंगे 201 to 10। यस, ये 10 इडियम हम लोग अभी सीख के जाएंगे, गारंटी है। आइए, फर्स्ट आप लोग के सामने है मेक बोथ एंड्स मीट। मेक बोथ एंड्स मीट मतलब क्या हुआ? आय के अंदर गुजारा करना। यस, आय के अंदर गुजारा करना। मेक बोथ एंड्स मीट, आय के अंदर गुजारा करना। याद रखिएगा, देखते होंगे सरकारी नौकरी वाले खुश होते हैं, प्राइवेट नौकरी वाले बहुत खुश होते हैं या फिर टेंशन में होते हैं। दोनों में अंतर है ना? सरकारी नौकरी वाले खुश होते हैं, प्राइवेट नौकरी वाले या फिर बिजनेस वाले या तो बहुत खुश होते हैं या फिर टेंशन में होते हैं। क्या? क्योंकि सरकारी नौकरी वाले जो है आय के अंदर गुजारा करने का आदत हो जाता है, आय के अंदर गुजारा करने का आदत हो जाता है। बट बिजनेस वाले को पता ही नहीं कब एक दिन में लाखों का इनकम आ जाए और कब एक कभी पूरे मंथ में 10,000 भी ना हो, है ना? ऐसा कुछ होता है। बट यहाँ पे आय के अंदर गुजारा करना बोले तो सरकारी नौकरी, मेक बोथ एंड्स मीट, है ना? क्या बोला है? टू लिव विद इन वंस में, टू लिव विद इन वंस में, आय के अंदर गुजारा करना। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? मेक ए वाइल द सनशाइन। मेक ए वाइल द सनशाइन, मौके का लाभ उठाना, मौके का लाभ। हे देखो, हे हे हे, मेक मेक मतलब होता है करना। हे चलो ना मिलकर कर ले छी सूर्य की रोशनी पे, सन शाइन, सन की रोशनी पे चलो ना मिलकर सब काम कर ले छी। यस यस, चलो ना मिलकर सब काम कर ले छी सूर्य की रोशनी पर। मतलब क्या है? मौका है, मौका है, लाभ उठा लो, मौका है, लाभ उठा लो। अंधेरा होते तो काम फिर हो नहीं पाते, है ना? अंधेरा होगा तो फिर काम हो नहीं पाएगा। सन शाइन, सूर्य की रोशनी में चलो ना लाभ उठा ले छी, है ना? मौके का लाभ उठाना, मौके का लाभ उठाना। ओके जी, तो क्या है? मेक हे वाइल द सन शाइन, हे उठू ना, चलू ना मौका के फायदा उठा ले छी। क्या बोल रहा है? टू टेक द बेनिफिट ऑफ एन अपॉर्चुनिटी, टू टेक द बेनिफिट ऑफ एन अपॉर्चुनिटी, मौके का लाभ उठाना। नेक्स्ट नेक्स्ट आप लोग के सामने क्या है? मेक और मैर। मेक और मैर मतलब बनाया या बिगाड़ना, बनाना या बिगाड़ना। मेक और मैर, बनाना या बिगाड़ना। मेक मेक मतलब होता है बनाना, और मैर मैर को मार देवो, मार देवो, मार देवो, बिगाड़ ले तो मार देवो, है ना? तो मैक और मार, मैक और मार, है ना? मतलब बनाना या बिगाड़ना। मैर मतलब बिगाड़ना और मैक मतलब बनाना। बनाएबो तो बनाबो, ना तो मार देवो। तो करो या मरो, डू एंड डाई, है ना? याद, करो या फिर मरो, है ना? डू और डाई, जो गांधी जी बोले थे डू और डाई, वही है मेक और मैर, करो या मरो। तो यहाँ बनाओ या बिगाड़ो, या तो बनाओ या फिर बिगाड़ो, जैसे के तैसे नहीं। यस, तो मेक एंड मैर मतलब क्या हुआ? बनाना या बिगाड़ना। टू मेक और डिस्ट्रॉय, टू मेक और डिस्ट्रॉय, या तो बनाओ या बिगाड़ दो। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है आप लोगों के सामने? मेक द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। मेक द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, दोनों हाथों में लड्डू का, दोनों हाथों में लड्डू। यस, काम करो। काम यदि आप कर रहे हैं ना, ये YouTube पर ही या कहीं भी, काम अगर आप दिल से कर रहे हैं, समर्पण के साथ कर रहे हैं, तो दोनों हाथ में लड्डू है। यस, एक तो आपका एक्सपीरियंस गेन होते जा रहा है, एक तो आपका एक्सपीरियंस गेन होते जा रहा है, है ना? और दूसरा आपके पास पैसा आएगा। एक तो एक्सपीरियंस गेन होते जा रहे हैं, एक तो आप समझदार हो रहे हैं, और दूसरा आपके पास पैसा का कमी नहीं रहेगा। यस, तो क्या बोल रहा है? मेक बनाओ, बनाओ वीडियो, बनाओ, है ना? कोई भी चीज आप कर रहे हैं वो काम करो। बेनिफिट क्या है? दो दो बेनिफिट है, बोथ बेनिफिट। एक तो वर्ल्ड में फेमस होइएगा, और दूसरा कोई भी चीज का कमी भी नहीं रहेगा भैया, कमी भी नहीं रहेगा, फेमस भी हो जाइएगा, कमी भी नहीं रहेगा, फेमस भी। दोनों हाथ में लड्डू, फेमस हो गए तो भी कोई कमी नहीं, अब पैसा है फिर भी कोई कमी नहीं। ओके, तो याद रहे
मेक द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, मेक द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, है ना। दूसरा, जैसे आप लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो आप लोग के हाथ में दोनों हाथ में लड्डू है। यस, एक तो आप समझदार हो रहे हैं और दूसरा आपका नौकरी लग जाएगा, फिर लाइफ में कोई भी टेंशन ही नहीं रहेगा। यस, पहला तो समझदार हो रहे हैं और दूसरा आप के पास नौकरी हो जाएगा, फिर दुनिया में कोई भी चीज़ का कमी ही नहीं रहेगा। तो दोनों हाथ में लड्डू है, बस मेहनत करने वालों के लिए। क्या ना, क्या बोला है, गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम बोथ द साइड, है ना, गेटिंग बेनिफिट बोथ द साइड, दोनों हाथ में लड्डू है, बस मेहनत कीजिए, दिल से समर्पण के साथ लग जाइए, सिलेक्शन चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोल रहा है, मेक अप वंस माइंड। यस, एक दिमाग, दिमाग में एक गोल बना लीजिए, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, बस एक गोल बना लीजिए। मेक अप वंस माइंड, निश्चय करना, क्या क्या, मेक अप वंस माइंड, निश्चय करना, टू डिसाइड, डिसाइड कर लीजिए, एक गोल बना लीजिए, है ना, लाइफ में जरूर आगे बढ़िएगा, निश्चय करना। मेक अप वंस माइंड, अपने माइंड में गोल्ड मेकअप कर लो, एक गोल मेकअप कर लो, फिर लग जाओ, जरूर सफलता मिलेगा, याद रहेगा। यस, तो मेक अप वंस माइंड मतलब निश्चय करना। नेक्स्ट क्या है, मैन ऑफ मींस, मैन ऑफ मींस मतलब क्या, समृद्ध व्यक्ति, जो समृद्ध व्यक्ति होता है उसका कोई मीन होता है, कोई मतलब होता है, समझदार व्यक्ति, समृद्ध व्यक्ति का कोई मतलब होता है, और ऐसे ऑर्डिनरी का कोई मतलब नहीं लाइफ में, मरा जिया बीमार है कहीं कोई नहीं, लेकिन समृद्ध व्यक्ति का मतलब है दुनिया में, उनको ठेस लग गया फिर भी हंगामा, उनको मच्छर काट लिया फिर भी हंगामा, उनको कुछ हो गया फिर भी हंगामा, उनका मतलब है, किसका मतलब है दुनिया में, समृद्ध व्यक्ति का। अगर मैन ऑफ मींस कोई व्यक्ति का मतलब है, मतलब व्यक्ति समृद्ध है, चर्चे में आ जाएगा, कुछ हुआ एक्सीडेंट फिर भी चर्चा में, बीमार फिर भी चर्चा में, ऑर्डिनरी पर्सन मर गया कोई चला कोई जानता भी नहीं है, है ना। तो इसीलिए समृद्ध व्यक्ति का इस दुनिया में कोई मतलब है, तो मैन ऑफ मीन, मैन ऑफ मीन, जिसका भी कोई दुनिया में मतलब है वो व्यक्ति समृद्ध है, है ना। क्या बोल रहा है, आप वेल्दी मैन भी कह सकते हैं, जो धनी है, ज्ञान से धनी, लोगों के विचार से धनी या पैसा से धनी, उसका मतलब है, है ना। गवर्नमेंट भी उसका सुरक्षा करता है, गरीब को कोई देखने वाला नहीं, है ना। इसीलिए अपने आप को मन से, पैसा से, शरीर से धनी बनाइए, अमीर बनाइए। यस, नेक्स्ट, मैन ऑफ आयरन, मैन ऑफ आयरन, आयरन मैन किसको बोलते हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले को, आयरन मैन, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले को, जो चाह लिए और कर लिए तो आप कहलाएंगे आयरन मैन। लाइफ में जो सफलता हासिल करते हैं उसी को कहते हैं आयरन मैन। यस, तो मैन ऑफ आयरन, मैन ऑफ आयरन मतलब दृढ़ इच्छा शक्ति वाला, मैन ऑफ आयरन मतलब दृढ़ इच्छा शक्ति वाला, है ना। अभी जैसे आप लोग नीतू मैम का बुक पढ़ रहे हैं ना, ये केडी पब्लिकेशन, हाँ, नीतू मैम को भी आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। नीतू मैम को भी क्या बोलते हैं लोग, आयरन लेडी, बहुत सारा मुश्किल से लड़के आगे बढ़ी है, है ना, आयरन लेडी। तो यहाँ के ना आयरन मैन, मैन ऑफ आयरन, मैन ऑफ आयरन मतलब दृढ़ इच्छा शक्ति वाला, जो चाह लिया वो कर लिया, उसी को तो कहते हैं आयरन मैन, याद रहेगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, मैन विद अ स्ट्रॉन्ग विल पावर, मैन विल, मैन विद अ स्ट्रॉन्ग विल पावर, स्ट्रॉन्ग विल पावर वाले को तो आयरन मैन बोलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोल रहा है, मैन ऑफ लेटर, मैन ऑफ लेटर मतलब विद्वान आदमी, विद्वान आदमी, लेटर, मैन ऑफ लेटर, अरे जिसके बारे में लेटर छपता हो, जिसके बारे में आप लोग एडिटोरियल आता हो, वो व्यक्ति क्या है, विद्वान व्यक्ति है। जो व्यक्ति किसी के बारे में एडिटोरियल लिखता हो या किसी के बारे में लिखा जाता हो, व्यक्ति विद्वान है। इसीलिए आपके भैया, अंकल, पड़ोसी कोई भी बोला होगा, देखो बुआ इंग्लिश सीखना है तो एडिटोरियल पढ़ो, है ना, क्योंकि वहां पे लिखने वाले भी विद्वान होते हैं
और जिनके बारे में लिखा जाता है वो भी विद्वान होते हैं। यस, तो याद रहेगा क्या? मैन ऑफ लेटर विद्वान आदमी, मैन ऑफ लेटर विद्वान आदमी, मैन ऑफ लेटर विद्वान आदमी, है ना, लर्न पर्सन है ना, विद्वान आदमी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? मैन ऑफ पार्ट्स सुयोग्य व्यक्ति, मैन ऑफ पार्ट्स सुयोग्य व्यक्ति। कोई पार्ट में आप फिट बैठ गए तो आप हो गए वहां के लिए सुयोग्य, सुयोग्य है ना। किसी पार्ट में आप फिट बैठ गए तो वो आप हो गए सुयोग्य, सुयोग्य है ना। तो मैन ऑफ पार्ट्स सुयोग्य व्यक्ति, मैन ऑफ पार्ट्स सुयोग्य व्यक्ति, मैन ऑफ पार्ट्स सुयोग्य व्यक्ति है ना। किसी पार्ट में आप किसी जगह पे आपको बहुत ज्यादा वैल्यू हो, जहां पे आप जाके एक क्या है ना, देखिए बताते हैं मैन ऑफ पार्ट्स किसको। जैसे मान लेते हैं एक कहानी है, कहानी नहीं सत्य घटना पे आधारित है, पता है बहुत सारे इंजीनियर लोग एक मशीन को ठीक करने के लिए लगे हैं, बहुत जगह से मंगवाया गया इंजीनियर सबको, बड़े बड़े इंजीनियर, बेस्ट क्वालिफाइड इंजीनियर सबको लगवाया, किसी से कोई ठीक नहीं हुआ। लेकिन एक व्यक्ति है जो वहीं लेबर का काम कर रहा था, वो आया और एक हथौड़ा मारा और इंजन स्टार्ट हो गया। उस समय वो व्यक्ति वहां पर के लिए क्या हो गया? मैन ऑफ पार्ट्स, क्योंकि इंजीनियर इंजीनियरिंग करते रह गया, वो एक हथौड़ा मारा और इंजन स्टार्ट, तो उसको क्या कहेंगे? सुयोग्य व्यक्ति हो, तो मस्त है, उसको प्रमोशन हो गया बहुत सारा, है ना। नेक्स्ट एक क्या है? मैन ऑफ स्प्रिट मतलब उत्साहित व्यक्ति, मैन ऑफ स्प्रिट मतलब उत्साहित व्यक्ति। यस, आप लोग स्प्राइट कभी पिए हैं? किसी मैन को पिला दो स्प्राइट, अब देखो कितना उत्साहित होता है, कितना, कुछो कहिएगा उठा लेगा, ले है ना, तो कुछो कहिएगा उठा लेगा। अब मैन ऑफ स्प्राइट सब हे पगला जानू स्प्राइट पीने है कि पगला जानू स्प्राइट मतलब उत्साहित, स्प्राइट पीने से क्या हो जाता है लोग? उत्साहित हो जाता है ना। तो मैन ऑफ स्प्रिट मतलब उत्साहित व्यक्ति, मैन ऑफ स्प्रिट उत्साहित व्यक्ति। उम्मीद है आज के वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज यार, मुझे आप लोग के सपोर्ट की आवश्यकता है। प्लीज अपना जितना दोस्त है उन सारे दोस्तों भी शेयर कीजिए, कंटिन्यू वीडियो देखा कीजिए। मैं पूरा वॉल्यूमन टिप ऑफ टंग यानी इंग्लिश आपके लिए बिल्कुल आसान बना दूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।